Hello everyone, this is Priyanka presenting you another question of exercise 13.4, question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. ये कह रहा है कि एक spherical shape का balloon है, उसका radius 7 cm से 14 cm तक increase हो जाता है जब हम उसमें हवा pump करते हैं. So find the ratio of surface areas of balloon in two cases. तो आपको क्या find out करना है? Ratio find out करना है उसके surface areas का इन दोनों ही cases में. It means कि first case में आपको दे रखा है कि balloon का जो radius है that is 7 cm. और second case में जब हमने उसमें हवा pump कर दी है तब हमारा जो radius था वो 7 cm से इंक्रीज होकर के हो गया है 14 cm. तो अब हमें दोनों ही केसेस में इनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करके उसका रेशियो निकालना है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो सरफेस एरिया ऑफ बलून फॉर केस वन रेशियो, क्योंकि हमें निकालना है रेशियो. सरफेस एरिया ऑफ बलून इन केस टू, रेशियो का साइन एज इट इज रहेगा बीच में. और अब हम यहां पे लगा देंगे अपने फॉर्मूलास. सरफेस एरिया क्या होता है स्पीयर का, दैट इज 4πr². और केस वन के लिए हमने जो रेडियस दिया है दैट इज स्मॉल r. सो 4πr² सरफेस एरिया ऑफ बलून इन केस टू. यहां पर हम रेडियस को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से. सो इट इज 4πr². अब आप देखेंगे कि रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड भी 4π है और राइट हैंड साइड भी 4π है, तो ये वैल्यू दोनों कट जाएंगे और यहां पर रह जाएगा r² रेशियो कैपिटल r². अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. सो योर स्मॉल r इज 7 cm. फिगर में भी देख सकते हैं कि आपकी स्मॉल r की वैल्यू है 7 cm. 7 का स्क्वायर रेशियो एंड योर कैपिटल r इज 14 cm. सो 14 × 14. 7 × 7, 7 × 14. अगेन 7 × 7 एंड 7 × 14. सो हेयर इट इज 1 × 1, आपको मिल जाएगा 1 रेशियो एंड 2 × 4 और यही हमारा आंसर है. रेशियो इज नथिंग बट योर डिवीजन. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इन केस वन डिवाइड बाय सरफेस एरिया इन केस टू. और अब हम यहां पर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं. केस वन में सरफेस एरिया क्या होगा बैलून का, 4πr², और केस टू में होगा 4π लेकिन कैपिटल आर का स्क्वायर. अब यहां पर ऊपर भी 4π है और नीचे भी 4π है, ये कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा r² / R². यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. स्मॉल r की वैल्यू है 7. सो 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है और कैपिटल r की वैल्यू है 14, यानी कि 14 × 14. 7 से 2 टाइम्स, अगेन 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स. ऊपर मिल जाएगा न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2 × 4. सो अगेन इट कम्स आउट टू बी 1/4 और इसको हम लिख सकते हैं 1:4. इट मींस कि ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है. तो सरफेस एरिया का जो रेशियो निकल के आया है दैट इज 1:4. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू आर बेनिफिटेड बाय दीज वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.